हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ेंगे इको। इको के हमारे चार लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, पांचवा चल रहा है गरीबी। और इसमें हमने ये सब पढ़ लिए हैं, गरीबी क्या होती है, सापेक्ष गरीबी क्या होती है, गरीबी का अर्थ, निरपेक्ष गरीबी रेखा के जो नीचे होते हैं वो, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। गरीबी प्रत्येक व्यक्ति की घरेलू उपभोग खर्च के बारे में जाना, कुपोषण का प्रमाण कितना होता है, इसके बारे में हमने जानकारी ली। आज हम पढ़ेंगे अपेक्षित आयु तथा बाल मृत्यु दर, यानी अपेक्षित आयु कितनी होनी चाहिए और बाल मृत्यु दर, यानी जो बच्चे बाल मृत्यु यानी जो छोटे बच्चे मरते हैं वो, उनकी दर क्या हो जाती है। जन्म के समय अपेक्षित आयु अर्थात नवजात शिशु औसत कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, ऐसी अपेक्षा रखना उसे कहते हैं अपेक्षित आयु। यानी अपेक्षा रखना कि जो नवजात बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो औसत कितने वर्ष तक जिंदा रहेगा। देश में रहने वाले लोगों, ये अंडरलाइन कर लो अपेक्षित आयु वाला, देश में रहने वाले लोगों का औसत अपेक्षित आयु निश्चित करने में पर्याप्त पोषण युक्त आहार, स्वच्छता, पीने का स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि पर आधारित होता है। लोगों की आयु किस पर निर्भर करती है कि वो किस प्रकार का खाना खाते हैं, कहाँ पे रहते हैं, उन्हें पीने का अच्छा पानी मिलता है या नहीं, और वो अगर बीमार है तो उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएँ भी है या नहीं है, इसके आधार पर हम औसत यानी अपेक्षित आयु की जानकारी प्राप्त करते हैं। गरीब व्यक्ति को इस प्रकार की सुविधा कम प्राप्त होने से उनकी औसत आयु नीचे रहती है। अब ये सारी सुविधाएं सभी को तो नहीं मिलती, जैसे कि गरीब व्यक्तियों को कहाँ अच्छा खाना मिलता है, पोषण युक्त आहार, स्वच्छता भी नहीं मिलती, वो कहीं पे भी रहने लग जाते हैं, पीने का स्वच्छ पानी नहीं होता, बीमार हो जाते हैं तो अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए उनकी क्या होती है, औसत आयु भी कम रहती है। बाल मृत्यु दर अर्थात 1000 जीवित जन्मे बालकों में से एक वर्ष से कम समय अवधि में मृत्यु पाने वाले बच्चों का प्रमाण। बाल मृत्यु दर कैसे कहते हैं, जैसे 1000 बच्चों का जन्म हुआ, अब एक वर्ष के अंतर उनमें कितने बच्चे खत्म हो गए, यानी वो बचपन ही था उनका, 1000 बच्चे जिनमें से जन्मे और साल भर में वो मर जाते हैं, तो वो होता है बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु का प्रमाण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, माता में शिक्षा का प्रमाण, बालकों में रसीकरण यानी वो जो इंजेक्शन वगैरह जो लगते हैं, पोषण युक्त आहार इत्यादि पर आधारित है। अब बच्चे ये बाल मृत्यु दर का प्रमाण कैसे होता है, स्वास्थ्य, अब उनको पूरे अगर स्वास्थ्य की सेवाओं की उपलब्ध हो, माँ उनके अगर शिक्षित हो, यानी बच्चों को किस प्रकार से क्या खिलाना वगैरह है, बालकों में रहते हैं आप, समय समय पर बच्चों के जो टीका वगैरह लगवाते हैं उसका ध्यान रखना, पोषण युक्त बच्चों को किस प्रकार से खाना मिलना चाहिए। बाल मृत्यु दर भी कमजोर स्वास्थ्य की सेवाओं के संदर्भ में गरीबी का निर्देशक। अब अगर इन सभी सेवाओं की कमी होती है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि गरीब हैं तभी तो वो अपनी सेवाएँ पूर्ण रूप से पूरी नहीं कर पाते हैं। विश्व के कुछ देशों में जन्म के समय अपेक्षित आयु और बाल मृत्यु दर निम्न प्रकार से दर्शाई गई थी। ये 2015 का जब सर्वे लिया गया था उस समय का है, अपेक्षित आयु और बाल मृत्यु दर, जो देश अलग अलग है। देखो नॉर्वे में अपेक्षित आयु थी जो प्रति वर्ष की होती है 81.6, तो और वहाँ पे बाल मृत्यु दर सिर्फ 2 ही थी, 0.2। अमेरिका में 79.1 अपेक्षित आयु थी और उसमें बाल मृत्यु दर थी 0.6। श्रीलंका में 74.9 और बाल मृत्यु दर वहाँ पे 0.9 थी, ये 2014 के जब सर्वे किया गया था तब का है। चीन में अपेक्षित आयु 75.8 और बाल मृत्यु दर 10, और भारत में सबसे ज़्यादा यानी अपेक्षित आयु भी कम है और बाल मृत्यु दर है सबसे ज़्यादा यानी 39। अब आप सोच सकते हो कि हमारे भारत में कितनी गरीबी है, किस प्रकार से स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, किस प्रकार से वहाँ पे अशिक्षित है, जानकारियाँ नहीं है, पोषण युक्त खाना नहीं है, स्वच्छता नहीं है, ये सब
उपरोक्त दर्शाई गई जानकारी के अनुसार नॉर्वे में जन्म के समय अपेक्षित आयु 80.6 वर्ष थी, जबकि अमेरिका में 79.1 वर्ष, श्रीलंका में 74.9 वर्ष, चीन में 75.8 वर्ष थी, जबकि भारत में सबसे कम है 68.0 वर्ष देखने को मिला, जो कि चीन श्रीलंका जैसे देशों की तुलना में सबसे कम है। बाल मृत्यु दर के मामले में नॉर्वे में प्रति 1000 जन्मे बालकों में से बाल मृत्यु का प्रमाण सिर्फ 2 ही है, अमेरिका में 6, श्रीलंका में बाल मृत्यु दर का प्रमाण है 9, चीन में 10 है, और जबकि भारत में बाल मृत्यु दर का प्रमाण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है 39। अब है स्वास्थ्य की सुविधाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर इत्यादि कर्मचारियों का समावेश होता है। अब एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर वहाँ पे डॉक्टर वगैरह नर्स होती है, कंपाउंडर और वहाँ के जो काम करने वाले कर्मचारी, ये सभी होते हैं। उनकी कमी स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ती है। अब इनमें से कोई एक भी नहीं होता है तो जो स्वास्थ्य की सेवाओं में वो कमी होने लग जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में भारत में स्वास्थ्य की सेवा और डॉक्टरों की कमी देखने को मिलती है, इसीलिए हमारे भारत में क्या होता है, जन्म बाल मृत्यु दर का प्रमाण ज़्यादा देखने को मिलता है। विकासशील गरीब देशों में लोगों को स्वास्थ्य की सेवा कम होती है, जिससे वे बार बार अनेक रोगों का शिकार बनते रहते हैं, ऐसे क्योंकि अच्छे से स्वास्थ्य सेवा उन्हें मिल ही नहीं रही है। ऐसे गरीबों को पर्याप्त पोषण भोजन भी नहीं मिलता, जिसके परिणाम स्वरूप उनका रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है, यानी अच्छा अगर खाना नहीं मिलता है तो रोगों से लड़ने की क्षमता भी उनकी कम रहती है, और अच्छा खाना मिले तो उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता रहेगी और वो बीमार कम होंगे। देश में स्वास्थ्य की सेवा कम होने से लोग ऐसी सेवाओं से वंचित रह जाते हैं, यानी दूर रह जाते हैं, उन्हें पूर्ण सुविधा प्राप्त नहीं होती, परिणाम स्वरूप गरीबी अधिक हो जाती है। विकासशील देशों में प्रति 6000 की आबादी पर एक डॉक्टर ही उपलब्ध होता है। अब अगर 6000 लोग हैं, 6000 वहाँ पर एक डॉक्टर है, तो वो कितना कम संख्या में डॉक्टर मिलता है, जबकि विकसित देशों में 350 की जनसंख्या पर ही एक डॉक्टर की सेवा उपलब्ध हो जाती है। विकासशील देशों में प्रति वर्ष लगभग 1.7 करोड़ लोग डायरिया, मलेरिया, क्षय जैसे रोग से मृत्यु को पाते हैं, क्योंकि उनकी देखभाल सही होती ही नहीं है, वहाँ पे डॉक्टरों की सुविधा ही नहीं होती। दुनिया में लगभग 2.3 करोड़ लोग एड्स के भोग हुए हैं, इनमें से 90% विकासशील देशों में है। अब भी ये स्वास्थ्य की सेवाएं हमने पढ़ी, क्योंकि डॉक्टर वगैरह जब होंगे ही नहीं तो सुख से, अब अगर एक हॉस्पिटल है तो वहाँ पे डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, कर्मचारी, इन सबका होना आवश्यक है। जब ये सभी, इनमें से भी कोई कमी हो जाएगी या डॉक्टर ही कम होंगे, तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा लोगों के, रोग जो बीमार होंगे, जो रोगी होंगे, उनको पूरी सुविधाएँ नहीं मिल पाएगी। और दूसरा, इसमें खाने का पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा, तो रोगों को, जो लोग हैं उनको अपने रोग से लड़ने की क्षमता भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। अब है पीने का पानी। जन समूह का स्वास्थ्य सबसे अधिक सुरक्षित पीने लायक पानी एवं स्वास्थ्य की सुविधा के लिए संकलित है। दूषित पानी, शुद्ध और पौष्टिक भोजन का अभाव इत्यादि तत्व अनेक रोगों के कारण होते हैं। जनसंख्या 2011 की जानकारी के अनुसार भारत में 63.3% परिवारों को नल द्वारा शुद्धिकरण स्रोत से पीने का पानी उपलब्ध है, सिर्फ 63.3। अब 8.63 परिवारों को नल द्वारा शुद्धिकरण न हुआ पानी, यानी 26% लोगों को अन्य स्रोत जैसे कुआ, हैंडपम्प, ट्यूबवेल, झरना, नदी, नए तालाब में से पीने का पानी प्राप्त होता है। अब ये जरूरी तो नहीं है ये शुद्ध है। शुद्ध पानी के अभाव में गंदा प्रदूषण युक्त पानी देश में पानी जन्य रोगों को बढ़ाकर गरीबी की समस्या को दूर गंभीर बनाता है। अब जिन लोगों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है तो बीमार होंगे, बीमार होने से क्या होगा, वो डॉक्टर वगैरह के जाएंगे। अब उनके पास तो पहले इनकम नहीं होती, अब वो जो उनकी इनकम है वो भी डॉक्टरों को चले जाएगी, तो उनमें और अधिक गरीबी का सामना उन्हें करना पड़ता है। अब है शौचालय की सुविधा। भारत में 2011 की जनगणना से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल आबादी की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है।
जब 2011 की जब जनगणना की थी उस समय की बात है कि 70% लोग गांव में रहते हैं जिनको पानी जन्य रोग एवं संक्रामक रोग होने की संभावना अधिक रहती है। ये किससे होती है? ये पीने के पानी से होती है, क्योंकि वहाँ पर स्वस्थ यानी स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी पीने का नहीं मिलता है। इससे बचने के लिए स्वच्छता महत्वपूर्ण है और इसके लिए शौचालय की सुविधा का होना भी आवश्यक है। शौचालय की सुविधा के अनुसार झोपड़पट्टी निवासी परिवार, कुल परिवार, मकान में ही शौचालय की सुविधा परिवार और मकान में शौचालय की सुविधा न होने, मान लीजिए कुल 100% है, 100% में से शौचालय की सुविधा सिर्फ 66 परिवार को ही प्राप्त हो पाती है और बाकी जो 64% व्यक्ति है उनको घर में शौचालय की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। भारत में 66% परिवारों में मकान के अंदर शौचालय की सुविधा उपलब्ध होती है, यानी जहां वो रहते हैं वहीं घर में ही उन्हें शौचालय की सुविधा होती है, जबकि बाकी के जो 34% परिवार है सार्वजनिक शौचालय या फिर खुले में शौच के लिए जाते हैं, यहाँ की सार्वजनिक वो बहुत गंदा वगैरह भी रहता है और काफ़ी लोग रहते हैं तो सार्वजनिक है तो सभी लोग वहीं एक ही जगह शौचालय में जाते हैं और या फिर उनके पास कोई शौचालय की सुविधा ही नहीं होती तो फिर वो खुले में जाते हैं। परिणाम स्वरूप जैसे आपने देखा होगा ट्रेन की पटरियों पे, परिणाम स्वरूप स्वच्छता के अभाव के कारण प्रदूषण, शारीरिक कमजोरी, उत्पादकता और उत्पादन को नीचे रखता है। अब जो खुले में जाता है वो हमारे लिए एक बीमारी का कारण होता है, जो गरीबी को बढ़ाने के लिए कारण होता है, वो बीमारी का कारण होता है क्योंकि उनके लिए शुद्धता नहीं होती और काफ़ी सारी गंदगी से बीमारियां फैलती है, तो वो भी एक कारण है गरीबी को बढ़ाने का। अब है आवास यानी रहने की सुविधा। गरीबी के निर्देशक के रूप में आवास उसका स्वरूप एक निर्देशक है। विकासशील देशों में आवास की कमी है यानी रहने की कमी होती है, लोग गंदे आवास और झोपड़पट्टी में रहते हैं, लोगों के पास या तो रहने की सही जगह ही नहीं होती, गंदी जगह होती है या फिर वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, झोपड़पट्टी कहीं पे भी बनी हुई होती है उसके आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। यह प्राय वर्तमान गरीबी का मापदंड है, ये जो अभी की जो गरीबी है उसका मापदंड भी है। आवास मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता, मनुष्य की सबसे जो पहली और सबसे मेन जो आवश्यकता है वो होती है रहने की। हम हर कहीं तो नहीं रह सकते, रोड भी तो नहीं रह सकते, किस प्रकार का आवास उस पर से गरीबी का स्तर निश्चित होता है, यानी लोग किस प्रकार से रहते हैं किस उसको देखकर उनके गरीबी का आधार निश्चित किया जा सकता है। जैसे 10 लोग हैं एक ही कमरे में रह पा रहे हैं क्योंकि तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है कि ये 2-4 रूम वाला एक घर ले। आवास का मकान, कमरे और रहने वाले लोगों की संख्या, घर में नल, डेनेस, बिजली जैसी सुविधा वाले मकानों का प्रतिशत गरीबी का स्तर दर्शाता है। लोगों का आवास मकान, अब जो जो हम जिस जगह रहते हैं या जितने कमरों में रहते हैं, अब कितने कमरे हैं, लोग कितने और कमरे कितने हैं, घर में फिर नल वगैरह है या बाहर से पानी लाना होता है, डेनेज यानी जो इसकी शौचालय की सुविधा है या नहीं है, बिजली प्रॉपर आती है या नहीं आती है जैसी सुविधा वाले स्तर, अगर इन सबको देख करके मालूम लगाया जा सकता है, पता चल जाता है कि इन गरीबी का स्तर कितना है। भारत में पर्याप्त सुविधा वाले मकानों की तंगी है, यानी जहाँ पर सुविधाएं हैं ऐसे मकान नहीं हैं। भारत में 60 करोड़ लोग स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने और जीवन के लिए जोखिमपूर्ण आवास में रहते हैं। ऐसे 60% लोग हैं जो भारत में जो अपने ध्यान नहीं लगाकर कहीं पर भी रह जाते हैं, यानी उनके स्वास्थ्य को तकलीफ होती, नुकसान पहुंचता है। भारत में बड़े पैमाने पर मकान एक कमरे की सुविधा वाले जो गरीबी का एक मापदंड है, यानी अधिकतर मकान कैसे हैं एक कमरे की सुविधा वाला की मकान। अब है बिजली का उपभोग। किसी भी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण परिबल बिजली की सुविधा है, यानी लोगों को कितनी बिजली प्राप्त होती है। देश में उत्पादन बढ़ाने और लोगों का जीवन स्तर सुधारने में बिजली की सुविधा खूब महत्वपूर्ण है।
यानी बिजली होगी, पंखे होंगे, तो लोगों की सुविधा, लोगों को सुविधा कैसे होगी, जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही ज़्यादा लोगों को सुख सुविधा का सामना करना होगा, यानी उन्हें पूरी सुविधाएं प्राप्त होगी। भारत बिजली का एक बड़ा उत्पादक और उपभोग करने वाला देश है, यानी भारत हमारा ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा बिजली उत्पादित होती है और वो काम में भी सबसे ज़्यादा लेता है। इस प्रकार अधिक आबादी और कम प्रति व्यक्ति आय होने से प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कम होता है। फिर है शिक्षा। विश्व बैंक की जानकारी के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग जो पढ़ लिख सकते हैं वे साक्षर हैं और बाकी के लोग निरक्षर हैं, वे अधिकांश गरीब होते हैं। यानी भारत में 15 वर्ष या उससे अधिक के लोग जो भी पढ़ लिखना चाहते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, वे तो पढ़े लिखे कहलाते हैं, लेकिन जो पढ़ना, जो उससे कम है, अब वो पढ़ना नहीं चाहते, उन्हें क्या कहेंगे, निरक्षर, यानी जिन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं होता, यानी अनपढ़, और वो गरीब भी होते हैं क्योंकि उन्हें किसी चीज़ की जानकारी ही नहीं होती। शिक्षा और तालीम का नीचा प्रमाण देश में अकुशल और नीची उत्पादकता वाले श्रमिक उपलब्ध करवाता है। शिक्षा और तालीम का नीचा प्रमाण देश में अकुशल और नीची उत्पादकता वाले श्रमिक की उपलब्धता करवाता है। जो शिक्षित नहीं है, जानकारी नहीं है, उन्हें क्या होता है, उत्पादकता यानी श्रमिक उपलब्धक, उन्हें जो मेहनत किससे होती है, श्रमिक के द्वारा ही मेहनत करके उपलब्धता, उत्पादकता की उपलब्धता यानी कम गति से होती है, क्योंकि कारण क्या है, उनका वो अकुशल होते हैं, जिससे श्रमिक का व्यवसाय और रोजगार के अवसर और पसंदगी मर्यादित बनते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, तो इनको ये जो भी व्यवसाय करते हैं या रोजगार करते हैं, इनको ना तो इनको अवसर प्राप्त होते हैं, इनको अवसर मतलब लिमिट में ही होते हैं, सीमित मात्रा में ही प्राप्त होते हैं, और इन ये जो ये व्यवसाय भी ज़्यादा अच्छा ऊपर वाला नहीं कर सकते, क्योंकि इनको किसी चीज़ की जानकारी इतनी नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप कम वेतन और कम आय के कारण गरीबी बढ़ती है। अब अगर इनको अच्छी नॉलेज हो तो कम पैसों में काम नहीं करेंगे, इनका वेतन भी अच्छा होगा, वेतन अच्छा प्राप्त करेंगे और या फिर इनकम की अच्छी प्राप्ति होगी, लेकिन इन्हें इतनी जानकारी नहीं होती कारण कि ये साक्षर नहीं होती। वर्ष 2011 में ब्राज़ील में साक्षरता दर थी 91% थी, कहाँ पे, ब्राज़ील में, जबकि भारत में 2011 में कितनी थी, 74.04। ये देखो, अब हमारे ब्राज़ील में और भारत में, नेपाल में 60%, पाकिस्तान में 55% देखने को मिली थी। यह जो ये दर्शाती है कि विकासशील देशों में साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से बहुत कम है, जबकि साक्षरता कितनी 91% है और हमारी 74 है, देखो डिस्टेंस, यानी हमारे भारत में साक्षरता भी बहुत कम है। गरीब जनसंख्या में, अब इसका कारण इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे गांवों में रहने वाले लोग की सोच क्या होती है कि लड़कियों को तो पढ़ाते ही नहीं है, या कि क्या करेगी, पढ़ के करना तो आगे पीछे काम ही है, या फिर अब तो लड़कियों को तो इस प्रकार से नहीं पढ़ाते, और लड़कों का होता है कि या तो उनका मन नहीं होता है या फिर उनकी खेतीबाड़ी होती है उसमें वो लगा देते हैं, तो उसका साक्षरता पे फर्क पड़ता है, जब वो पढ़ेंगे ही नहीं तो हमारा भारत का साक्षरता दर भी नीचे की ओर गिर जाएगा। गरीब जनसंख्या में शिक्षा का प्रमाण कम होने से लोग रूढ़िवादी मानसिकता वाले होने से परिवर्तन नहीं अपना सकते। अब जो गरीब जनसंख्या में क्या होता है कि लोग है, या फिर पैसा भी नहीं होता तो भी देखो पढ़ाने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो लोग भी नहीं सब पढ़ा सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि शिक्षा का प्रमाण कम होगा, उनको जानकारी होती नहीं है, और रूढ़िवादी मानसिकता, उनकी सोच भी वैसी ही हो जाती है, उनकी अच्छी सोच होती नहीं है, उनकी पीढ़ी के हिसाब से चलती रहती है कि क्या करेंगे, सही बात है, पढ़ लिख कर फालतू इससे तो चाहे पापा का धंधा कर लो, पापा के बिजनेस में बैठ जाओ, तो करना तो वैसे भी बोले हमको पढ़ने लिखने के बाद हमको करना तो यही है, उनकी सोच ही बदल जाती है और इसके कारण भी वो कोई भी बदलाव अपने आप में लाना ही नहीं चाहते, और जिससे क्या होगा, जिससे वो गरीबी का प्रमाण ऊपर हो जाएगा, यानी अधिक हो जाएगा प्रमाण। सिर्फ प्रति व्यक्ति आय के प्रमाण पर से विश्व में प्राय वर्तमान गरीबी का सही अनुमान नहीं मिलता है। ऊंची प्रति व्यक्ति आय वाले गरीब देश में
ऊंची प्रति व्यक्ति आय वाले देश में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले आबादी का अनुपात अधिक हो जाता है। उसका कारण यही होता है कि लोगों की सोच किस प्रकार से बदले। हम लोगों की सोच को बदल ही नहीं सकते, कारण कि वो पढ़े लिखे होते ही नहीं है, तो वो अपनी सोच को बदलते भी नहीं है। अब है आय और संपत्ति का असमान वितरण। 1991-1991 के आर्थिक सुधार के बाद समय में भारत दर से आर्थिक वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि होने के बावजूद भी आय असमान वितरण के कारण बड़े पैमाने पर गरीबी में कमी नहीं आई। यानी आर्थिक सुधार भी काफ़ी हुआ, तेजी से हुआ, लेकिन जो उसके बावजूद भी आय अगर समान रूप से वितरण नहीं की गई तो क्या हुआ, वही गरीबी रही। गरीबी में कमी तो आई ही नहीं, जो कमाई वाले थे उनके पास वही साधन ही नहीं थे कुछ खरीदने के लिए। आय की असमानता बढ़ने के साथ एक तरफ उच्च जीवन स्तर सुविधाएं भोगने वाले धनी वर्ग, तो दूसरी तरफ कम आय वाले जिनके बिना मकान के, गंदे आवास, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य की मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित गरीब परिवार देखने को मिले। अब जब आय की असमानता थी तो उसमें क्या देखने को मिला, जो ऊंचे लोग थे उनके पास तो ऐशो आराम की सब चीज़ें थी, सुख सुविधाएं थी, रहना खाना और मौसों के भी पूरा कर लेते थे, लेकिन वहीं सामने गरीब व्यक्ति है, उनके आय तो वैसी ही है, कम ही है, तो वो सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं और ना उनके पास रहने की अच्छी जगह है, ना खाने की है, ना पीने का पानी है, ना पहनने को कपड़े, और वो फिर वो वर्ग गरीबी के वर्ग में ही आ जाता है। यानी वो अपनी मूलभूत जो उनकी आवश्यकता वो भी पूरा नहीं कर सकता है। नीचे तालिका में USA, UK और भारत के उच्च स्तर के 1% जनसंख्या के पास प्राप्त वास्तविक आय का हिस्सा दर्शाया गया है। उच्च स्तर की 1% जनसंख्या के पास वास्तविक राष्ट्रीय आय का हिस्सा प्रतिशत में देश, वर्ष और फिर देश। US में 1998 में 15.2 था राष्ट्रीय आय का हिस्सा, और 2012 में कितना हो गया, जो बढ़कर के 18.9 हो गया। UK में 12.5 था जो बढ़कर के 12.7 हुआ, और भारत में 9.0 था जो बढ़कर के 12.6 हो गया। ये था 2015-16 का आर्थिक सर्वे। उपरोक्त दर्शाई गई जानकारी के अनुसार US, UK और भारत इन तीनों देशों में वर्ष 1998 की तुलना में वर्ष 2012 में उच्च स्तर की 1% आबादी के हिस्से में वास्तविक राष्ट्रीय आय का हिस्सा बढ़ता रहा है। वर्ष 1998 की तुलना में वर्ष 2012 में वास्तविक राष्ट्रीय आय का हिस्सा US में 15.2% से बढ़कर के 18.9, UK में 12.5 से बढ़कर के 12.7 और भारत में 9.0 से बढ़कर 12.6 हो गया। भारत के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि भारत में आर्थिक सुधार से उत्पन्न भारत लाभ धनी लोगों के पक्ष में अधिक रहे। इस प्रकार अपने देश में गरीब और धनी के बीच आर्थिक असमानता का जो अंतर देखने को मिलता है भारत में प्रवर्तित गरीबी का निर्देश बताता है। अब है बेरोजगारी की ऊंची दर। प्रवर्तमान वेतन दर पर कार्य करने की इच्छा शक्ति योग्यता रखने वाले व्यक्ति को काम न मिलने से उसे बेरोजगार कहते हैं। काम करने लायक व्यक्ति होने के बावजूद भी उसके उसके अनुसार काम नहीं मिल पाता है तो वह बेरोजगार कहलाता है। भारत में आयोजन की शुरुआत में नीचा आर्थिक विकास 1991 के बाद रोजगार बिना की वृद्धि के कारण रोजगार सृजन की दर बढ़ने, श्रम आपूर्ति के संदर्भ में नीची होने के कारण बेरोजगारी की दर ऊंची रही है। बेरोजगारी की स्थिति में व्यक्ति आय के अभाव में अपने और अपने परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। जब वो खुद का उसके पास पैसे ही नहीं है तो अपना और अपने परिवार का किस प्रकार से वो ध्यान रखेगा, कैसे उनकी आवश्यकताओं को पूरी करेगा, जिसके फलस्वरूप गरीबी का प्रमाण देखने को मिलता है। भारत में वर्ष 2011 तथा बेरोजगारी की दर 9% के आसपास रही। 2013 और 14 में श्रम ब्यूरो द्वारा बेरोजगारी का पंजीकृत अनुपात 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बेरोजगारी की दर 4.9% देखने को मिली। ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह दर 4.7% और शहरों के लिए यह 5.5% थी। अंडरलाइन कर लो यहाँ से, या अभी हमने पढ़ी बेरोजगारी की दर, आज हमने पढ़ा बेरोजगारी या गरीबी में गरीबी का, हमने आज अपेक्षित आयु और बाल मृत्यु दर पढ़ा।
फिर हमने स्वास्थ्य की सुविधाओं में क्या क्या होनी चाहिए, पीने का पानी की सुविधा, शौचालय, आवास, शिक्षा, बिजली, इन सब चीज़ों की आवश्यकता थी, ये सब हमने पढ़ा। फिर आय और संपत्ति का असमान वितरण। अब कल हम पढ़ेंगे गरीबी के क्या क्या कारण हैं, यानी गरीबी किस प्रकार से होती है। आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे। तब तक आप अपना, अब ऐसा नहीं है आप ये पढ़ो ही नहीं, इसको आप कंटिन्यू रखना, आपको पढ़ना है। एंड थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।